गुजरात चुनाव से पहले पाटीदारों के नेता हार्दिक पटेल की सीडी वायरल, टाइमिंग पर उठे सवाल। हार्दिक ने कहा, बदनाम करने के लिए बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स। बोले, 18 को साबित करूंगा कि सीडी फर्जी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, मुझे सीडी के बारे में जानकारी नहीं। सीडी पर हार्दिक पटेल के बचाव में राहुल गांधी, सीडी का बिना जिक्र किए बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, गंदी राजनीति के जरिए दबाने की कोशिश हो रही है, आपकी आवाज मिटा नहीं सकते। सीडी कांड के बाद हार्दिक पटेल के बचाव में उतरी कांग्रेस। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल बोले, गुजरात में बीजेपी हार रही है इसीलिए ऐसा कर रही है। बोले, सीडी में कोई दम नहीं। हार्दिक के साथ ही रहे और कथित सीडी जारी करने वाले अश्विन के हार्दिक को चुनौती। बोले, हार्दिक अगले 4 दिन में सेक्स सीडी को फर्जी साबित करके दिखाएं, नहीं तो 5वां दिन मेरा होगा। हार्दिक एक और सीडी सार्वजनिक करने की बात कही। फिलीपींस की राजधानी मनीला में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात। ट्रंप ने भारत की तारीफ की। मोदी ने शुक्रिया करते हुए कहा कि ट्रंप ने हमेशा भारत की तारीफ की है। 5 महीने में मोदी और ट्रंप के बीच ये दूसरी मुलाकात है। फिलीपींस में लोस बारोस के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पहुंचकर पीएम मोदी ने राइस फील्ड लैब का उद्घाटन किया। पीएम के नाम पर रखा गया है खेत का नाम। लैब में भारतीय भी करते हैं काम। मनीला में आसियान समिट के उद्घाटन समारोह में रामायण के प्रसंग का हुआ मंचन। विश्व के 25 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने रामायण के प्रसंग के मंचन का यह पहला मौका है। रामायण मंचन के लिए कलाकारों की टीम की मोदी ने तारीफ की। गुजरात दौरे के आखिरी दिन पाटन के मंदिर में पूजा के बाद राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर वार। बीजेपी आरएसएस को दलित विरोधी बताया। एक के बाद एक गुजरात में मंदिर के दर्शन करने पहुंच रहे राहुल गांधी आज मेहसाणा के नजदीक बहुचराजी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। राहुल ने इस मौके पर कहा कि मैं शिव का भक्त हूं और सच्चाई में विश्वास रखता हूं। राहुल गुजरात में 25 सितंबर से अब तक 18 मंदिरों का दौरा कर चुके हैं। गुजरात के पाटन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक जादूगर से मुलाकात की और उसके साथ एक सेल्फी खिंचाई। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए जादूगर से बोले कि जो पैसा आप जादू से निकालते हैं पीएम मोदी उसे गायब कर देते हैं। गुजरात के सूरत में बीजेपी विधायक कुमार कनानी के दफ्तर के बाहर हंगामा। दफ्तर पर हमला करने पहुंचे पाटीदार समाज के लोगों की बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प, 2 युवक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर को लेकर कहा, सभी पक्षों को मंदिर निर्माण के लिए आगे आना चाहिए। बोले, हिमाचल और गुजरात दोनों जगह बीजेपी की जीत होगी। यूपी में निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी 14 नवंबर से अपने तूफानी दौरे पर निकल रहे हैं। योगी 14 दिनों में 40 सभाएं करेंगे। इस चुनाव को योगी सरकार की पहली परीक्षा माना जा रहा है। 22 नवंबर से 3 चरणों में होंगे चुनाव। देश में महंगाई ने फिर सर उठाया। खुदरा महंगाई दर 7 महीने में सबसे ऊपर 3.58% पर पहुंची। खाने पीने का सामान और सब्जियां हुई महंगी। वैष्णो देवी में दर्शन को लेकर एनजीटी का बड़ा आदेश। एक दिन में 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे। कटरा या अर्धकुमारी में उन्हें रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 6 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में सरकार का रुख क्या है। दिल्ली में टमाटर की कीमतें आसमान पर। 80 रुपए किलो तक पहुंचे टमाटर के दाम। टमाटर के दाम बढ़ने की बड़ी वजह कम उत्पादन बताई जा रही है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। पूछा, पराली जलाने को लेकर क्या हुआ? वैक्यूम क्लीनिंग और पानी का छिड़काव जैसे उपाय पर कितना अमल हुआ है? कोर्ट ने साफ किया है कि एनजीटी और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रदूषण पर चल रही सुनवाई पर कोई रोक नहीं है और वो चलती रहेगी। उधर प्रदूषण को लेकर दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच जारी है तनातनी। हरियाणा सरकार ने लगाया केजरीवाल सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप। दिल्ली सरकार ने कहा, हरियाणा के सीएम खट्टर ने नहीं दिया मिलने का वक्त। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर राहुल गांधी ने ट्विटर पर शायराना अंदाज में लिखा कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, क्या बताएंगे साहिब, सब जानकर अनजान क्यों है। दिल्ली में कल और परसों हो सकती है बारिश। अगर बारिश हुई तो जहरीली धुंध से राहत मिलने की उम्मीद है। हरियाणा के कैथल में पराली जलाने पर 112 किसानों से जुर्माने के तौर पर वसूले गए 3,15,000 रुपए। 35 किसानों से नोटिस जारी कर जवाब मांगा। पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने कहा है कि वो नए साल में नौजवानों को स्मार्टफोन बांटेगी। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा है कि योजना तैयार है, बस लागू होना बाकी है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने सरकार बनने पर स्मार्टफोन बांटने का दावा किया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल गैंगरेप मामले में शिवराज सरकार को लगाई फटकार। पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी।
प्रद्युम्न हत्याकांड में सीबीआई ने हरियाणा पुलिस से भी पूछताछ शुरू की। पुलिसकर्मियों की हो सकती है गिरफ्तारी। घटनास्थल की सफाई को लेकर स्कूल प्रशासन की भूमिका की जांच करेगी सीबीआई। हरियाणा पुलिस के जांच अधिकारियों से भी होगी पूछताछ। प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने एक बार फिर से हरियाणा पुलिस की जांच पर सवाल उठाया। कहा स्कूल के टॉप मैनेजमेंट का हरियाणा पुलिस पर दबाव। सीबीआई की जांच से संतुष्ट लेकिन हत्या की पूरी वजह अब तक साफ नहीं। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के करीब कृष्णा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा। 20 लोगों की डूबने से मौत। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। तमिलनाडु के चेन्नई में जिया टीवी पर इनकम टैक्स का आज भी छापा। जेल में बंद एआईएडीएमके की नेता शशिकला के ठिकानों पर 5 दिनों से जारी है छापेमारी। दिल्ली के निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो चारों दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर एक साथ सुनवाई करेगी। आज सिर्फ आरोपी मुकेश की पुनर्विचार याचिका सुनवाई के लिए लगी थी। अब अगली सुनवाई 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे होगी। आईएएस की बेटी वर्णिका कुंडू से छेड़छाड़ के मामले में फंसे विकास बराला की जमानत याचिका चौथी बार कोर्ट ने आज खारिज कर दी। विकास बराला हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे। एएमयू के प्रोफेसर खालिद बिन यूसुफ के पति ने उन पर व्हाट्सएप के जरिए 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। वहीं पति ने आरोप को इनकार करते हुए पति यास्मीन पर पहले से शादीशुदा होने का आरोप लगाया। आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज। लखनऊ के पीजीआई इलाके में 29 साल की मार्टिना गुप्ता हत्याकांड में नया मोड़। पुलिस ने मार्टिना के पिता और दोनों भाई को गिरफ्तार किया है। झूठी शान की खातिर हत्या का शक। मार्टिना को पता के पिस्टल से लगी थी 5 गोलियां। राजस्थान के अलवर में उमर मोहम्मद की हत्या मामले में 2 चश्मदीदों का बयान। एबीपी न्यूज पर कहा गोरक्षा के लिए नहीं लूट के लिए हुई उमर की हत्या। एक शख्स इस मामले में गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में रेलवे ट्रैक पर मिले मोहम्मद उमर के शव का उसके परिजनों ने अब तक पोस्टमार्टम नहीं होने दिया है। परिजनों का आरोप है कि उमर की हत्या गौरक्षकों ने की है और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। आपकी प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ डिपॉजिट पर ब्याज दर बढ़ेगी या कम होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस बारे में 23 नवंबर को फैसला कर सकता है। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए पीएफ डिपॉजिट पर 8.65% ब्याज तय किया। आईटी को छोड़ सभी शेयरों में गिरावट से सेंसेक्स 281 अंक गिरकर 33,034 अंक पर बंद। निफ्टी 97 अंक फिसलकर 10,225 अंक पर बंद हुआ। भारत श्रीलंका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका की टीम ने कोलकाता के मैदान पर बहाया पसीना। 16 नवंबर से शुरू हो रही है सीरीज। इराक ईरान सीमा पर आए भूकंप से मरने वालों की तादाद बढ़कर 328 थी। करीब 2500 लोग जख्मी। 7.3 थी भूकंप की तीव्रता। ये है एबीपी न्यूज़। आपको रखे आगे।